ये स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। 9th क्लास बायोलॉजी के साथ आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एनर्जी बजट ऑफ रेस्पायरेशन। हमने रेस्पायरेशन पढ़ा और हमने कहा जी रेस्पायरेशन जो है आपका ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। अब एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है तो अब इसकी मेट ये लगाना है कि ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इस एस्टिमेशन को आप कहते हैं एनर्जी बजट। क्या कहते हैं? एनर्जी बजट। अब रेस्पायरेशन हमने पढ़ा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्शन कम होती है, जबकि जो आपका एरोबिक प्रोसेस है उसमें एनर्जी एक्सट्रैक्शन ज्यादा होती है। हमने इसके तीन स्टेजेस पढ़े। सबसे पहली स्टेज हमने पढ़ी ग्लाइकोलाइसिस, फिर आए क्रैब साइकिल पर, और एट द लास्ट हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले जब आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करते हैं पाइरुविक एसिड में, इस दौरान आप एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपीज की फॉर्म में। फिर इसी पाइरुविक एसिड को आप दोबारा कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवा के क्रैब साइकिल से पास करते हैं। यहां पर भी आपकी एटीपी रिलीज होती है, और एट द लास्ट जब आप इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब आप क्रैब साइकिल से एस्केप्ड इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करवाते हैं के भागते चोर की लंगोटी ही सही, तब भी आप उसमें से एनर्जी लेते हैं। लेकिन डिफरेंस है, आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस तक चलेगा सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि पाइरुविक एसिड से क्रैब साइकिल, फिर क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन इज कंपल्सरी, ठीक है। इसके अलावा एक और आपने की पॉइंट याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन के दौरान जो एक NADH होता है, NADH, वो आपको 3 ATP देता है, और उसके अलावा जो एक FADH2 होता है, ये दोनों को एंजाइम है, ये आपको 2 ATPs देगा। कितना ATPs देगा? 2 ATPs देगा। इसके बाद एक आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें हम ये इसकी मेल लगाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रोसेस में हमें कितना ATPs मिल रही है, और ये जो एरोबिक प्रोसेस है जिसमें हमने कहा कि ऑक्सीजन इज कंपल्सरी, इस टोटल में हमें कितना नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है। सबसे पहले जब आप ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के आप पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इस दौरान आपकी 2 ATPs खर्च होती है, ठीक है, ब्रेक डाउन के लिए, और आपको 2 NADH देते हैं। एक NADH आपको देता है 3 मॉलिक्यूल, जबकि 2 आपको कितना देंगे? 6। बट 6 में से 2 आपने यूज कर लिए तो बाकी आपके पास कितना ATP बच गए? 4 ATP बच गए, 4 ATP एज अ नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट जब आप पाइरुविक एसिड को कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर भी आपको 2 NADH मिलते हैं। 2 NADH मीन 6 ATPs, ठीक है। अब यहाँ पर 2 NADH क्यों? जब आप पाइरुविक एसिड को कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोएंजाइम ए के साथ, तो वहां पर आपको 1 NADH मिलता है, लेकिन एक पाइरुविक एसिड के साथ। लेकिन हमारे पास ग्लूकोज जब टूटा कितने पाइरुविक एसिड बने? 2 पाइरुविक एसिड के हमारे पास मॉलिक्यूल बने। तो यहाँ पर एक की बात नहीं करेंगे, 2 की बात करेंगे। 2 पाइरुविक एसिड को कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 2 ही हमारे पास NADH2 बने। अब ये कोएंजाइम ए क्या है? कोएंजाइम ए आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ ये आपका सबस्ट्रेट के तौर पर भी यूज होता है फॉर डिफरेंट एंजाइम सबस्ट्रेट।
डिफरेंट एंजाइम इसे एज अ सब्सट्रेट भी कैप्चर कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजेशन ये कहाँ कर करता है, आपके पाइरुविक एसिड के बाद पाइरुविक एसिड की ऑक्सीडाइजेशन करता है, और उसके साथ साथ आपके एक दो और प्रोसेसेस हैं लाइक जस्ट लाइक फैटी एसिड्स की ऑक्सीडाइजेशन भी आपका कोएंजाइम ए ही करता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम जब आपने मैन्युफैक्चर कर लिया उसके बाद आप इसे पास आउट करते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के में आपके पास 6 एनएडीएच बनते हैं, 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस मींस 18 एटीपी। 2 एफएडीएच बनते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 4 एटीपी मिलेंगे, ठीक है। और एट द लास्ट जब आप इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारते हैं तो आपके पास 2 एटीपी मजीद जनरेट होते हैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब टोटल अगर इनका शेयर लगाएं तो आपके पास 36 एटीपी बनते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान आपको 36 एटीपी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल नंबर ऑफ एटीपी आपके पास होते हैं 2, कितने होते हैं 2, जबकि आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने होते हैं 36। ये नेट प्रॉफिट है इन दो प्रोसेसेस का, इन दो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, कि आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट 2 एटीपी आपके पास होते हैं एक मॉलिक्यूल के, और 4 एटीपी होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के। और ऑन द अदर हैंड आपके पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आपके पास टोटल 36 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपकी एटीपीज के। इसके बाद बुक लाइंस की बात करते हैं, क्या कहते हैं, ईच एनएडीएच प्रोड्यूस 3 एटीपीज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द एनएडीएच जनरेट इन द ग्लाइकोलाइसिस गिव 2 एटीपीज बिकॉज 1 एटीपी इज स्पेंड इन द ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Each FADH to produce 2 ATPs. कितना ATPs? 2 ATPs. ये आपके पास MCQs हैं, इन्हें आपने MCQs के तौर पर याद रखना। The total output of ATPs can be calculated from the following. Note that during the aerobic anaerobic oxidation of the glucose, only 2 ATPs per molecule are gained as the net profit. It is because there is no Krebs cycle, no electron transport chain in the anaerobic process. अब यहाँ पर भी MCQs हैं आपके पास कि आपके कौन से प्रोसेस एरोबिक या फिर एनएरोबिक में क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, तो आपके एनएरोबिक प्रोसेस में क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके साथ साथ आपका एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हम कंपेयर करेंगे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, स्टे ब्लेस्ड।